हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका कुकिंग सीक्रेट में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से घर पे कैसे हमस बनाएं वो सीखेंगे। हमस मिडिल ईस्ट की डिश है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबलस्पून सिसमे सीड डालेंगे, इसको वाइट तिल भी कहते हैं। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, जैसे हम गरम मसाला बनाते हैं तब मसाले को ड्राई रोस्ट करते हैं वैसे ही। हमस एक प्रोटीन रिच डिश है, ये वेजिटेरियन के लिए अच्छा ऑप्शन है। बस इतना ही हमें रोस्ट करना है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, तिल को ठंडा कर लूंगी। तिल ठंडे हो गए हैं, मिक्सी में डालकर अब मैं इसको क्रश कर लूंगी। इस तरह से क्रश करना है हमें। अब उसमें मैं 2 टेबलस्पून अच्छा वाला ओलिव ऑयल यूज़ करूँगी। वापस से 1 मिनट में मिक्सी में चला लूँगी। पेस्ट बनके रेडी हो गया है। अब इसको घर पे ना बनाना चाहो तो मार्केट में ब्राउन सिसमे सीड नाम से इसका पेस्ट मिलता है, तो आप वो भी डायरेक्ट इसमें यूज़ कर सकते हो। अब मैं नींबू का जूस डाल दूँगी 1 टेबलस्पून जितना। देखो यही प्रोसेस अच्छे से हमें करनी है। जिस तरह से मेयोनीज बनाई थी क्रीमी, वैसे ही हमें इसको क्रीमी स्ट्रक्चर देना है। 1 मिनट मिक्सी में चलाने के बाद इस तरह से क्रीमी बन जाता है। बस यही प्रोसेस है हमें अच्छे से करनी है, बाकी तो बहुत ही सिंपल है। अब मैंने 1/2 कप जितना वाइट वाले छोले बोलते हैं, चिक भी बोलते हैं, उसको ओवरनाइट भिगो कर रखा था और अच्छे से इस तरह से गल जाए उतना बॉईल कर लिया है। इसको 1/2 कप ही मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, लेकिन अब ये 1/2 कप से ज़्यादा हो गए हैं। अब इसको मैं मिक्सी में डाल दूँगी और साथ में ही मैं 6 से 8 कली लहसुन की डाल दूँगी। टेस्ट अकॉर्डिंग में सॉल्ट डाल दूँगी और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा डाल दूँगी। छोले बॉईल करते समय बचा हुआ पानी में इसमें यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून जितना पानी डाला है और एक बार मैं मिक्सी में चला लूँगी। लो स्पीड में ही मैं इसको एक बार क्रश कर लूँगी, बाद में पानी ऐड करूँगी। ये प्रोसेस मैं कंटिन्यू 3 बार करूँगी। मैंने यहाँ 3.5 से 4 टेबलस्पून पानी डाला है और अच्छे क्रश कर लिया है। आपको जितना स्मूथ चाहे उतना पानी डाल सकते हो। और हमस हमारा बनके रेडी हो गया है। इतना फाइन हमें क्रश करके हमस रेडी करना है। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने एक प्लेट में हमस डाल दिया है और ऊपर से थोड़ी सी मैं डिज़ाइन बना रही हूँ और साथ में मैं 1 टेबलस्पून जितना ओलिव ऑयल डाल रही हूँ और ऊपर से थोड़ी सी पेपरिका से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहो उतनी पेपरिका यूज़ कर सकते हो। वाइट डिश में अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने ब्लैक डिश में ट्रांसफ़र कर लिया है। और थोड़ी सी मैंने पेस्ट ले ली, उसमें डाले है क्रश करके। खाने के लिए हमस रेडी है, तो एंजॉय करें घर पे बना के। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।